दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दशहरा में काठमांडू से आवाजाही ना करला सरकार के आग्रह, सुरक्षा संबंधी मापदंड अपना के सभी तरह के परीक्षा संचालन करला सैद्धांतिक सहमति। कोरोना वायरस के कारण वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट निवेदन की सुनवाई प्रभावित, दशहरा बाद सुनवाई होके के संकेत। नवलपुर के विभिन्न स्थान के खुला चौरी सब संरक्षण के इंतजार में, व्यवस्थित कर सकला पर ठाव के सुंदरता में थप आयाम मिले के आशा। चुनाव के बाद धाधली भइल कहत, किर्गिस्तान में विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री कुटाटबेग बोरोनाव द्वारा राजीनामा। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स खेली। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी कुवैत के अमीर के रूप में पदभार ग्रहण कैल शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के बधाई देहले बानी। संदेश में राष्ट्रपति भंडारी सन 1972 में नेपाल आ कुवैत बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध स्थापना भइले बाद से अभी तकले उत्कृष्ट संबंध रहल बताउने, साथै द्विपक्षीय संबंध आयोला दिन में और मजबूता बढ़े के विश्वास व्यक्त कैले बानी। बधाई तथा शुभकामना संदेश मार्फत राष्ट्रपति भंडारी मित्र राष्ट्र कुवैता उहाँ के जनता के निरंतर प्रगति आ समृद्धि खातिर शुभकामना व्यक्त कैल, परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। वैसे ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बेल्जियम के नवनियुक्त प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डे क्रो के बधाई तथा शुभकामना देहले बानी। बधाई संदेश पठावत प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ बेल्जियम उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध के आनंद ले रहल बताउने, साथे दू देश बीच के सहकार्य आयवला दिन में थप मजबूत होके के आशा समेत प्रधानमंत्री ओली व्यक्त कैले बानी। यही बीच परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली बेल्जियम के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सोफी विम्स के बधाई देहले बानी। सरकार दशहरा में काठमांडू से बाहरा दशहरा बाद फिर काठमांडू प्रवेश करे वाला काम ना करेला आग्रह कैले बा। वितल सुमार के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक के जानकारी देवेला कैल गईल पत्रकार सम्मेलन में बोलत मंत्री प्रदीप गेवाली, दोसर जिला में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के अवस्था में रहला पर भी काठमांडू में संक्रमण रोकथाम उन्मुख ना भइला से उच्च जोखिम के अवस्था में रहल बताउने। वहाँ के 40 लाख जनसंख्या भइल काठमांडू में संक्रमण बढ़ी तो संकट के अवस्था आ सके के कहत, स्वास्थ्य मापदंड के पालना करेला आग्रह समेत कैले बानी। काठमाडौँबाट गाउँ फेरि गाउँबाट काठमाडौँ यो संक्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओभरदोभर गर्ने जुन जोखिम छ यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। आशिष हामीले टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ, उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन्, तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम बढ्न सक्छ। उहाँ के दशहरा लगिचा रहला से काठमांडू से गाँव गैला पर कोरोना संक्रमण भी संगे जाए के भइला से जहाँ बाटे लोग उहमें दशहरा मनावेला आग्रह कहने। मंत्री गेवाली आशीर्वाद देवे वाला नागरिक परिवारजन के दूर से ही आशीर्वाद देवेला आ अगला साल के दशहरा में आशीर्वाद लेवेला उन लोग के संक्रमण से बचावेला आग्रह कहने। आशीर्वाद बचाऊ भनेर वो आशीर्वाद ला बचाऊ त्यो आशीर्वाद हामीलाई पछिसम्म पनि चाहिरहन्छ, त्यसो भएर चाडबाडहरू मनाउँदा यो पक्षलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन म सञ्चार माध्यम मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वैसै सरकार सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाके सब तह विषयके परीक्षा सञ्चालन गर्ला सैद्धान्तिक सहमति देवेके निर्णय कैले बा। कोरोना भाइरस के कारण वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमे परल रिट निवेदन के सुनवाई प्रभावित भइल बा। वितल सुखके सुनवाई ना ओरैला से मुद्दा में आज सुनवाई होके के कहला पर भी न्यायाधीश लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित होके आइसोलेशन में रहला के कारण संभव ना देखल गई। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आ अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट गौतम के नियुक्ति बदल करे के मांग करत कुआर 5 गते रिट दायर कैले रहलो। रिट के प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराई के एकल इजलास से गौतम के थप संवैधानिक नियुक्ति ना देवेला आ संवैधानिक इजलास में थप सुनवाई करेला आदेश देले रहनी। प्रतिनिधि सभा चुनाव में बर्दिया से हारल गौतम के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी कुआर 1 गते राष्ट्रीय सभा सदस्य में मनोनीत कैले रहने। जनमत संविधानवाद लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता नैतिक मूल्य के आधार में नियुक्ति बदर करला रिट में मांग कैल गई बा।
कोरोना संक्रमण के कारण आज अनिश्चित बनल उ मुद्दा के सुनवाई आयोला सुक्के होके के संभावना कम बाटे। अगर आयोला सुक्के भी मुद्दा के सुनवाई प्रभावित हो कि त दशहरा पछाड़ी सुनवाई होके के संभावना बा। लॉकडाउन सहज भइला संगे समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमित के संख्या भी थपते गइला बाद कोरोना जांच करे वाला के संख्या में बढ़ोतरी भइल बाटे। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में भी किट के अभाव देखावत शुल्क तोक के परीक्षण शुरू कइल गइल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ते गइला बाद सुनसरी के धरान उपमहानगरपालिका द्वारा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण के व्यवस्था मिलावल गइल रहे। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संगे के सहकार्य में कोरोना के लक्षण देखा पड़ल स्थानीय के स्वाब परीक्षण होते आत रहे। प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार किट उपलब्ध करौला बाद निःशुल्क होखल पीसीआर परीक्षण अब शुल्क तिरे वाला भइल बा। प्रतिष्ठान द्वारा सरकार से किट उपलब्ध ना करावल कहत 2000 रुपया शुल्क तीर के ही जांच करे के जनावल गेल बा। कतिपय इन्सुरेन्स क्लेम गर्नको लागि अथवा कतिपय कतै ट्राभल गर्नको लागि अफिस जोइन गर्नको लागि लगायत कुनै अरू कारणहरूले यहाँ धेरै बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ शुल्क तिरेर गराउने। पिछला समय धरान में कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधि सबके भी कोरोना संक्रमण दिखाई पड़े लागल बा। अग्रपंक्ति में रह के काम करे वाला लोग के ही संक्रमण देखा पड़े लगला बाद उ लोग के संपर्क में आबे वाला स्थानीय सब डेराए लागल बा। बाध्यात्मक अवस्था में रहल स्थानीय के परीक्षण धरान उप महानगर पालिका ही कर देवे के जनौले बा। लक्षण देखिएको छ उहाँसँग कोरोना पोजिटिभ हुने खालको यस अघिको चाहिँ रुघाखोकी हैन आउने कुरा ज्वरो आउने कुरा जुन लक्षणहरू छ उहाँलाई गर्ने कुरो भइगयो। लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई गर्नको लागि निःशुल्क नै हो त्यो धरान उप महानगरपालिकाले समन्वय गर्छ। बीपीद्वारा कोरोना परीक्षण खातिर शुल्क लेवेके सुरु कैला बाद उपमहानगरपालिका से भी कम मात्रे स्वाब लेवेके सुरु कैल गेल बा। शुल्क तय भइला बाद लक्षण देखा पड़ल बीमार सबके आर्थिक अभाव में परीक्षण करे से वंचित होके के पड़ रहल बा। सुनसरी से दिनेश कजमेर के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कैलाली में आसिन दू गते झूलल अवस्था में मिलल पत्रकार निर्मला पहराई घटना के वास्तविकता अभी तक ले पता नहीं लगा सकल। प्रहरी द्वारा अनुसंधान हो रहा जनौला पर भी घटना के सत्य तथ्य यथाशीघ्र बाहर लियावेला पहराई के परिवारजन से दबाव देहल जा रहा बा। कैलाली के सुखड़ में अवस्थित कैलाली एफएम में कार्यरत पत्रकार निर्मला पहराई आसिन दुगते झूलल अवस्था में मिली है। गोड़ागुड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 जनकपुर में रहल अपने घर से कार्यालय जायम कहत चलल पहराई 3 दिन के बाद गोड़ागुड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के फुलबारी सामुदायिक वन में मृत भेटैली है। घटना भइल 19 दिन बितला पर भी सत्य तथ्य बाहर न आयल कहत उनकर परिवारजन आक्रोशित भइल बाटे लोग। सुखड़ बाजार में परिवारजन लगायत स्थानीय बासिंदा द्वारा प्रदर्शन भी कैल गेल बा। अब अहिले समय के भएको छ बयान लिने काम मात्र भएको छ। हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। हत्याका धेरै कुराहरू पुष्टि भइसकेका छन्। त्यो हत्यारालाई कहिले सार्वजनिक गर्ने? त्यसैले आन्दोलन गरे। निर्मला पहराई घटनाके वास्तविकता पत्ता लगावे खातिर शुरू कैल गेल आन्दोलन में ऐक्यबद्धता जनाउँदै आयल राष्ट्रीय युवा संघ भी सत्य तथ्य बाहर लियावेला प्रशासन से मांग कैले बा। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल घोडागुडी नगर कमिटी द्वारा पत्रकार निर्मला पहराई बहिनी को हत्या को हत्या में संलग्न जो कोईलाई पनि कड़ा भन्दा कड़ाई को माग गर्न चाहन्छु। निर्मला पहराई घटना के दबावे खोजला पर आंदोलन के स्वरूपी परिवर्तन होके के अन्यायचित निर्णय ना भइला पर सही ना होके के मानवाधिकार कर्मी सब बतावेलन। निर्मला को हत्यारालाई सार्वजनिक गरिएन भने एक हप्ता भित्र हामी यो भन्दा अझ सशक्त यो कोरोनालाई पनि उछिलेर यो भन्दा सशक्त कडा भन्दा कडा आन्दोलन को हामी चाहिँ सुरुवात गर्ने छौं। घटना भई लम्बा समय बितला पर भी सत्य तथ्य न आइला बाद आन्दोलन शुरू कैल जिल्ला समन्वय समिति कैलाली के सदस्य मालती बिका के कहना बाटे के छ हामीलाई किन यसरी रोकिरा छ? यो एउटा दलित को मुद्दा भएको कारणले हो कि हामी यसमा रात दिन आज 15-16 दिन हुँदा पनि हामी यसमा निरन्तर लागिरहँदा पनि हामीले कुनै काहीँबाट पनि न्याय पाएको महसुस भएन। दिन प्रतिदिन हो रहल हत्या हिंसा के घटना में सरकार गंभीर होके पड़े के प्रदर्शनकारी सबके कहना बाटे। जनता टेलीविजन का लागि भूपेन्द्र बिक लम्की कैलाली। नवलपुर के विभिन्न स्थान के खुला चोरी सब संरक्षण के इंतजार में बाटे।
अगर घेराबार सहित खुला चौरी के व्यवस्थित कर सकल जाए तो ठाव के सुंदरता में थप आयाम मिल सकित। नवलपुर जिला के सदरमुकाम कावासोती में रहल खुला चौरी संरक्षण आ संवर्धन के इंतजार में बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नजदीक जिला प्रहरी कार्यालय के सामने रहल खुला चौरी में पिछला बरस सब में राजनीतिक दल के बड़का बड़का आम सभा, स्थानीय संघ संस्था के कार्यक्रम, विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपन उत्पादन के प्रवर्धन करे के उद्देश्य के साथ भाड़ा में लेके सामान प्रदर्शनी में राखल भी जात रहे। लेकिन कोरोना संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर सार्वजनिक स्थान में भीड़भाड़ करेला निषेध कैला संग ही इस जगह सब प्रयोग विहीन आ संरक्षण के इंतजार में बाटे। नवलपुर में रहकर यह खुला मैदान एकदम पैला देखि हम भोलेंटियर रूप में निःशुल्क रूप में हमी सर सफाई गई रहते कोविड को कारण मानसर जमा कर न सक अब कुरू बनी रह इसमें खाता साल पूरे भैर ये विभिन्न कार्यक्रम कर पैसा उठाइन्थ्यो तो सर सफाई गए देखि राम्रो हुन्छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कावासोती द्वारा खुला चौरी आ उस क्षेत्र के सार्वजनिक जगह में टहरा निर्माण करके व्यवसाय करते आये फलफूल चौक के 40 से बेसी व्यापारी के भाड़ा लेके आमदनी होत रहे। लेकिन उहबे से निकलल फुहर व्यवस्थापन करे के ठाव के प्रबंध न कर देहला बाद समस्या उत्पन्न भइल बा। जिला सदरमुकाम के बीच में रहल सार्वजनिक खुला चौरी के सुंदरता कायम रखेला घेराबार संगी समुचित प्रयोग में लियावेला ध्यान देवे पड़े के देखल गेल बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश नंबर एक के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय इलाम के दुग्ध उत्पादन सहकारी डेयरी में अनुदान उपलब्ध करावे लागल बाटे। लंबा समय से दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन आ बिक्री करते आयल सहकारी डेयरी के अनुदान से राहत मिलल बा। प्रदेश नंबर एक के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय द्वारा इलाम के दुग्ध उत्पादक सहकारी आ डेयरी में अनुदान उपलब्ध करैला बाद राहत मिलल बा। डेयरी में कल गए लगानी से किसान के मिल्क होलीडे के समस्या से मुक्ति मिले के साथ ही दूध प्रशोधन करके दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन में सहयोग पुगल हा। अधिकांश कृषकहरूबाट के भयो भन्दाखेरि जति पनि दूध जस्तै हाम्रो मिल्क होलीडे जस्ता कुराहरू हुन्थ्यो नि त सधैँ मिल्क होलीडे हुँदा पनि हामीले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो दुध सधैँ बिक्ने भयो। मिल्क होलीडेको दिन हामी सङ्कलन गर्ने यहीँ जम्मा गर्ने खुलेका दिन सबै दुध पठाइदिने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई त्यो प्रदेशले त ठुलै सहयोग छ नि। मिल्क होलीडे भैलाबाद महिनामै आधा दिन दुध नबिकेवाला समस्या से किसान सबके मुक्ति मिलल बा। यसो छ अब मासिक रूपमा पेमेन्ट पनि आउने हो अरू अब जुनसुकै उसमा पनि अब बजारकै समस्या भएको छ अरू अरू भनेको व्यवसायमा अब यो दुध व्यवसायमा चाहिँ अहिले त्यो बजारको चाहिँ राम्रो छ भनौँ न। डेयरी में जनरेटर के साथ चिलिंग वैट आ मिल्क एनालाइजर जैसन अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्थापन भी कैल गेल बा। एउटा घिउ बनाउने वाटर टर्नर एउटा पास्चराइजर भन्ने यो दूध उमाल्ने भाँडोलाई पनि अपग्रेड गरेछु म 500 लिटरको प्रोग्राम राख्दैछु। त्यो प्रोसेसरको अनुदान प्राप्त भए पछाडि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति सहज ढङ्गले चाहिँ चलाउन सक्छु भन्ने सोच छ। सहकारी संस्थामै 10 लाख आ कुछ डेयरीमै 5 लाख के दर से अनुदान सहयोग भी भइल बाटे। बर्खायाममै सड़क के कारण ढुवानीमै समस्या रहल जगहमै अनुदान के बाद सहज भइल बा। इलाम से भगीरथ भंडारी के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट में आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होखे वाला बा। अबुधाबी में चेन्नई अपना छठवां आ कोलकाता पांचवां खेल खातिर मैदान में उतरी। चेन्नई आ कोलकाता बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे शेख जायद स्टेडियम में शुरू होगी। अगला 5 खेल में चेन्नई 2 में जीत आ
तीन में हारल बाटे। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में रहल चेन्नई पांच खेल में चार अंक जोड़ के पांचवा स्थान में बाटे। दिनेश कार्तिक के कप्तानी में कोलकाता भी तीसरे जीत के खोजी में हो कि पिछला चार खेल में दो में जीत आ दो में हारल कोलकाता चौथा स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दशहरा में काठमांडू से आवाजाही ना करला सरकार के आग्रह। सुरक्षा संबंधी मापदंड अपना के सभी तह के परीक्षा संचालन करला सैद्धांतिक सहमति। कोरोना वायरस के कारण बामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट निवेदन के सुनवाई प्रभावित। दशहरा बाद सुनवाई होखे के संकेत। नवलपुर के विभिन्न स्थान के खुला चौर सब संरक्षण के इंतजार में। व्यवस्थित कर सकला पर ठाव के सुंदरता में थप आयाम मिले के आशा। चुनाव के बाद धाधली भइल कहत। किर्गिस्तान में विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री कुटाबटबेक बुरोनोव द्वारा राजीनामा। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स खेले। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।